नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और झारखंड में टेट नियमावली बनी है और बनते साथ ही इसका तीव्र विरोध शुरू हो गया है। झारखंड अब तक का सीधा सवाल है कि आपको नौकरी नहीं देनी थी तो नहीं देते, लेकिन ऐसा नियमावली आपने क्यों बनाया जिसके बाद अब छात्र खुद उलझन में आ गए हैं, यानी कि बीएड वाले और डीएलएड वाले को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मनसा है परीक्षा लेने की, क्या परीक्षा होगी या फिर नियमावली को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर बनाया गया ताकि युवा इसी में परेशान रहे। और अब आप देखिए टेट एग्जाम के नियमावली को लेकर जो 2019 के इसी महीने में प्रकाशित की गई, अब स्टूडेंट सड़क पर है और वो कैंडल मार्च निकालते हुए ये कह रहे हैं कि पहली वाली नियमावली को लागू करो, तब तक चुनाव आ जाएगा, चुनाव के बाद परीक्षा होगी या नहीं होगी ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आज हम आपको सीटेट और जेटेट का कंपैरिजन भी बताएंगे, साथ ही साथ ये बताएंगे कि छात्र छात्राओं का आखिर गुस्सा क्यों है, क्या मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी पास नहीं करने वाले योग्य नहीं होंगे, और ये सबसे बड़ा सवाल इस समय झारखंड में चल रहा है कि मैट्रिक में जो अंग्रेजी विषय में पास किए हैं वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है इस समय झारखंड टेट को जब वैकेंसी आ जाएगी। भले तो वैकेंसी आ जाए लेकिन बीच में नियमावली बना करके इस सरकार ने सबको चौंका दिया है। दूसरी जो अहम विवादित मुद्दा है वह है कि मैट्रिक और इंटर में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में से किसी एक में परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। और तीसरा विवादित मुद्दा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर्ट्स और साइंस में कैसे होगा। अब दिन रात स्टूडेंट्स को इसी चीज को समझ में नहीं आ रहा है और वो अलग अलग लोगों से ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या वो टेट लिख पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जितनी सीट सरकार की खाली है उससे कम उन्हें अभ्यर्थी मिल जाए, क्योंकि नियम ऐसा कठिन बनाया गया है कि सारे लोग टेट नहीं ही दे पाएंगे। और आपको हम बताते हैं कि मुख्य क्या कारण हो सकता है इसमें विवाद का। पहला तो कारण यह है कि टेट परीक्षा की जो तैयारी हो रही है इसमें संशोधन किसी प्रकार के स्टूडेंट से पूछकर नहीं किया गया। नियमावली का प्रावधान अचानक से जब आया तो स्टूडेंट का आक्रोश सामने आ गया। मैट्रिक में अंग्रेजी पास करना जरूरी क्यों किया गया ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ मैट्रिक और इंटर में क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा में पास होना अनिवार्य है, बहुत से स्टूडेंट इसके चलते छट जाएंगे। मैट्रिक इंटर में विद्यार्थियों के लिए कहीं भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा पढ़ना अनिवार्य नहीं था, तो ऐसे में किसी को कैसे पता चलेगा कि वो स्कूल में टीचर भविष्य में बनने वाले हैं तो आज ही वो जनजातीय भाषा को पढ़ लें। जाहिर सी चीज है कि नई नियमावली को अगर आप देखिएगा तो कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अब बीएड वाले को भी अनुमति मिल गया है, यानी कि अगर आप बीएड का कोर्स करके आए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप परीक्षा लिख सकते हैं। लेकिन पहले नियमावली में बीएड वाले को 1-5 में परीक्षा लिखने नहीं दिया जाता था। सवाल ये सामने आ रहा है कि फिर कोई डीएलएड आखिर क्यों करेगा, फिर तो सीधा सभी लोग बीएड ही करेंगे। कक्षा 1 से 5 के लिए केवल प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा सफल अभ्यर्थी को ही पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी पहले। अब विद्यार्थियों का कहना है कि ऐसे में उनकी डिग्री भी बेकार हो गई और बीएड वाले को ही सारे जगह पर फाइटिंग करवा दिया जा रहा है। विद्यार्थियों ने इसी कारण से पूरी रांची में कैंडल मार्च निकाला और साथ ही साथ ये कहा कि इस नियमावली में अगर संशोधन नहीं किया जाता है तो जाहिर सी चीज है कि बिना संशोधन वाले इस परीक्षा में जितने स्टूडेंट हैं वो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जो 3 ऐसे क्लू लाया गया है और इससे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा परीक्षा लेने की है ही नहीं। अब देखिए जब आप सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन देखिएगा तो सोशल साइंस के कॉम्बिनेशन में किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो उसके साथ सोशियोलॉजी नहीं है, ज्योग्राफी है तो साथ में हिस्ट्री नहीं है, इसी प्रकार से साइंस में अलग कॉम्बिनेशन है। कुछ अस्पष्टता नहीं है 12 पन्ने की इस नियमावली में और यही कारण है कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब करे तो क्या करे, या तो वो बीएड ही बेकार किए हैं जिसके लिए लाखों रुपया खर्च किए और एज को बेकार बचाकर रखे कि वो भविष्य में झारखंड सरकार में अच्छा टीचर बन जाएंगे। टीचर की वैकेंसी कब निकलेगी ये तो पता नहीं,
13 वाले का क्या होगा नहीं मालूम, 16 वाले का क्या होगा नहीं मालूम, नई टेट की घोषणा हो गई है, होगी कब ये नहीं पता है। सवाल कई ऐसे गंभीर हैं, झारखंड अब तक का सवाल है कि क्या सरकार की मंशा और परीक्षा लेने वाली संस्था जो झारखंड में है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, JSSC और JPSC, क्या ये तीनों विंग की इच्छा है कि वह अलग अलग परीक्षा को कंडक्ट करे। आप अपना कमेंट करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कोई भी विशेष जानकारी के लिए मैसेज कीजिएगा 9431156794 पर। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।